बड़ी, आज हम इंग्लिश की पांच और मुख्य क्रियाएं सीखेंगे। मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब्स। तो आज की पहली मुख्य क्रिया है ले जाना। अगर आप कोई भी सामान या वस्तु अगर ले जाने की बात करते हैं तो वहां आप कैरी का यूज करेंगे, CARRY, कैरी। सेकेंड वर्ब है हमारी आज की खोदना। कोई भी आप गड्ढा, तालाब, कुआं अगर खोदते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे डिग का, DIG, डिग। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास में चुराना। इसके लिए हम यूज करेंगे STEAL, स्टील का। और अगली हमारी आज की वर्ब है छिपना या छुपाना। दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होगा इंग्लिश में, हाइड, HIDE, हाइड। आपने गेम का नाम सुना होगा छुपन छुपाई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाइड एंड सीक। तो हाइड का मतलब होता है छिपना और सीक का मतलब होता है खोजना। तो हमारी अगली वर्ब यही है SEEK, सीक। इसका मतलब होता है खोजना। तो आज हमने इन 5 वर्ब्स को सीखा। इंग्लिश की इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।